दूर करते हैं अभिषेक अरोड़ा की परेशानी और अभिषेक क्लैरिटी चाहते हैं एक अलाउंस पर। इनके एम्प्लॉयर से इन्हें मिलता है एक ब्रॉडबैंड अलाउंस। इस अलाउंस पर उनके एम्प्लॉयर जो है वो टैक्स भी काट रहे हैं और अभिषेक यही समझना चाहते हैं कि क्या वो टैक्स रिटर्न भर के इस टैक्स का रिफंड क्लेम कर पाएंगे। अरोड़ा जी को जो ब्रॉडबैंड अलाउंस मिलता है वो ऐसा कोई भी अलाउंस एम्प्लॉयर अगर आपको देता है और वो आपके ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आपने अगर खर्च किया है, जहां तक जितना खर्च किया है उतना एग्जम्प्ट होता है। तो अरोड़ा जी ने, मेरे को लगता है, इनके जो प्रूफ है जो ब्रॉडबैंड के बिल वगैरह वो एम्प्लॉयर को नहीं दिए तो एम्प्लॉयर ने उसको टैक्सेबल गिन लिया है। और ये डिस्क्रिशन सिर्फ एम्प्लॉयर के पास नहीं है, अगर एम्प्लॉयर ने टीडीएस काट दिया है तो आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते टाइम उस जो अलाउंस है उसको एग्जम्प्ट क्लेम नहीं कर सकते। तो अगली बार से आप ध्यान रखिएगा, आप जो मार्च के पहले या जैसे ही आपके पास में बिल आते जाए आप अपने एम्प्लॉयर को जो ब्रॉडबैंड के बिल है वो सबमिट कर दीजिएगा, तो अलाउंस में से जितना भी आपने बिल सबमिट किया है वो एग्जम्प्ट माना जाएगा और बाकी वाला अगर कोई हिस्सा है सरप्लस रहता है तो उस पर एम्प्लॉयर आपका टीडी